Jai Gurudev, good morning. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of our topping organization to Yog Vashishth morning session. Namaste, मैं सोमेश्वर आप सभी का टॉपलिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग तीन बार ओमकार उच्चारण से करेंगे। We'll begin our session by chanting Om three times. अपने सारे Zoom के पार्टिसिपेंट, अपने सारे Facebook के व्यूअर्स और अपने सारे YouTube के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। चलिए आराम से बैठ जाए। Let's all sit comfortably और आंखें बंद करें। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर केंद्रित करें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे, एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओंकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, ओ स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आईज, धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते। जगदेव, जिस तरह से हमने देखा इन सत्रों को, हमने एक व्हाट ब्लिप डू वी नो, एक मूवी साइंस डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पे कई सारे टॉप नॉच प्रोफेशनल्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, अलग अलग क्षेत्रों से वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एनेस्थेसिस्ट, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, कई सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव से कई सारे टॉप नॉच प्रोफेशनल साइंटिस्ट एक साथ आके उन्होंने इसके ऊपर एक डिटेल में चर्चा की। उन्होंने एक उसके अंदर स्टोरी भी दिखाई थी अमेंडा की, और उस स्टोरी के जरिए उन्होंने कई सारे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल से कई सारा आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव है जो योग वशिष्ठ में उसका रूट उसमें सब कुछ मिलता है, वो हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने उत्पत्ति प्रकरण, बिकॉज उत्पत्ति प्रकरण को समझने के लिए इस मूवी के कॉन्सेप्ट्स को समझना अत्यावश्यक था। फिर पिछले कुछ सत्रों में हमने, दो तीन सत्रों से हम लोग इस मूवी के बारे में, इस साइंस के बारे में, योग वशिष्ठ में पहले दो तीन जो चैप्टर आते हैं जहाँ पे उत्पत्ति प्रकरण का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो था वो हमने, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को भी देखा, सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से होती है वो भी हमने देखा। अभी वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को और उसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए जो रैशनल कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग ही चीज जो बताई गई कि यार दृश्य जगत जो है वो सिर्फ एक असत्य है या अनरियल वर्ल्ड है, इस बात को समझने के लिए उनको एक मंडपा आख्यान सुनाते हैं। मंडपा आख्यान माने जो मंडप में होता है वो मंडपा आख्यान, उसका थोड़ा सा वर्णन भी हमने कल देखा था और आज के सत्र में उसका पूरा डिटेल में वर्णन और उसके ऊपर होने वाली चर्चा को भी हमने यहाँ पे सुना। तो उसी चर्चा सत्र को भी आगे बढ़ाते हैं।
आज से हम लोग पूरा मंडपा, कल से और आज से मंडपा अखंड को पूरी तरह से करीब करीब इसके काफी सारे सब चैप्टर्स है, अलग अलग सब चैप्टर्स है, उन सारे सब चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो आपने यदि मंडपाख्यान पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आज से आप मंडपाख्यान को बुक से भी पढ़ना आप शुरू कर दें। तो हमें पूरा मंडपाख्यान अभी उसमें हम लोग फिनिश करेंगे। ओके तो आपके जो प्रश्न है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, या आपके प्रश्न है जो आप चैट पे भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट इट्स अ गुड आइडिया यदि आप यू कैन ओपन अप एंड यू कैन आस्क योर ओन क्वेश्चन, दैट विल बी वेरी गुड। इफ नॉट देन संजय जी आस्क हिज क्वेश्चंस, ही प्रिपेयर्स एंड आस्क हिज क्वेश्चंस, एंड संगीता जी डू रीड इट आउट फ्रॉम द चैट। सो एनी थिंग इज पॉसिबल। यदि आपको खुद को पूछना है तो आप अनम्यूट करके अपने आप को जरूर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज संगीता जी, संजय जी, देर जय श्री जी, देविल एनी वे हेल्प यू। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरु देव टू ऑल ऑफ यू। या सो देयर इज वन क्वेश्चन, कैन आई आस्क सोमेश्वर जी? हाँ हाँ संगीता जी प्लीज गो। हेलो, यस या हेलो, जय गुरुदेव। फाइव एलिमेंट्स आर द सीट ऑफ विच द वर्ल्ड इज द ट्री एंड द इटर्नल कॉन्शियसनेस इज द सीट फॉर द एलिमेंट्स, काइंडली एक्सप्लेन दिस। So, shall I read it out again? The five elements are the seat of which the world is a tree, and the eternal consciousness is the seat for the elements. Yeah, kindly explain this. हाँ, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो पंच महाभूत होते हैं, वो पंच महाभूत इस जगत का, जैसे हम लोग कोई पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ कहाँ से आता है? तो पेड़ एक, उसको हम लोग कुछ कुछ सीड होता है, तो उस सीड को हम लोग वहां पे जो बीज होता है उस बीजों बीजारोपण करते हैं, और बीज जब स्प्राउट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, तो उससे पेड़ का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह से क्या अपना कॉन्शियसनेस, अपना चैतन्य इन पंच महाभूतों का बीज है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों, और इसको वर्णन करे, यह प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। तो योग वशिष्ठ में यदि हम लोग देखते हैं तो क्या इस दृश्य जगत का कार्य कारण भाव चैतन्य है? तो इसके दोनों आस्पेक्ट यहाँ पे रखे जाते हैं कि एक आस्पेक्ट जो कहता है कि जो फिजियोलॉजिकल जो आस्पेक्ट हम लोग बीज का और ट्री का जो लगाते हैं कि भाई ट्री जो है अपना पेड़ जो है उसका कार्य कारण भाव होता है वो सीड ना, तो वो सीड उत्पन्न होता है और सीड से फिर ट्री उत्पन्न होता है और ट्री से सीड उत्पन्न होता है। तो ये तो फिजियोलॉजिकल चीज में ये तो होती है, दिखती है, हम सब लोग पढ़े भी है, जानते भी है। तो ये तो होता हुआ दिखता है यहाँ पे, हो रहा है। लेकिन बोलते चैतन्य को, यही एनालॉजी चैतन्य के साथ हम लोग नहीं डाल सकते, बिकॉज चैतन्य कोई ऐसा बीज नहीं है जो क्रिएट होता है किसी से, बिकॉज आपके ट्री से बीज उत्पन्न होता है और बीज से ट्री उत्पन्न होता है, लेकिन चैतन्य किसी चीज से उत्पन्न हुआ नहीं है, कि कोई ट्री नहीं था जिससे चैतन्य आया और चैतन्य नहीं था, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है कि जो पंच महाभूत है उसमें से कॉन्शियसनेस क्रिएट हुआ और कॉन्शियसनेस से पंच महाभूत क्रिएट हुए, ऐसी बात नहीं। असलियत में यह सत्य, योग शिष्ट का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो यह जगत, सत्य जगत जो बोलते हैं हम लोग, वो क्रिएट हुआ ही नहीं है, वो असत्य है, वो अनरियल वर्ल्ड है। तो इसलिए बोलते कि आप जो एनालॉजी यहाँ पे लगा रहे हो, जो चिकन और एग का जो एनालॉजी है, या जो बीज और ट्री का जो एनालॉजी है, बोलते वह चैतन्य को फिट नहीं बैठता, बिकॉज चैतन्य इन सारी एनालॉजियों के भी परे है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग बताते समय बताते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग कि भाई ऐसा हुआ होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी, एक अप्रोच एग्जिस्ट करता है, एक अप्रोच बताता है बिग बैंग थियरी होगी, एक अप्रोच बताता है इस तरह से हुआ होगा, तीसरा अप्रोच बताता है ऐसा शिव शक्ति वाला अप्रोच है। देखो तीनों अप्रोच अलग अलग है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, किसी भी अप्रोच को नकार नहीं रहे हम लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई तीनों ऐसे अप्रोच हो सकते हैं,
लेकिन इसके ऊपर वशिष्ठ मुनि बहुत क्लियर तरीके से बताते हैं कि जो बीज और ट्री का जो एग्जाम्पल, चिकन और एक जग का एग्जाम्पल जो होता है, वह कॉन्शियसनेस और इस जगत की उत्पत्ति को अप्लाई नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे चिकन से फिर से एग आता है, ट्री से फिर से बीज आता है, बीज से फिर से ट्री बनता है, लेकिन यहाँ पे चैतन्य से कुछ बनता है और उससे चैतन्य बनता है, ऐसा बात नहीं, उससे बीज नहीं उत्पन्न, चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होती। चैतन्य इन सारे कॉन्सेप्ट से, इन सारे आइडियाज से, इन सारे एनालॉजी के परे है, जो सदा सर्वदा के लिए अस्तित्व में है, उसका किसी चीज से उत्पत्ति होती है ऐसा नहीं है, चैतन्य है। इसलिए यह एनालॉजी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, इस तरह से वशिष्ठ मुनि हमें समझाते हैं। वो सब कुछ इन सारी चीजों से परे है, इट्स बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स। जेनी जी, डज दैट हेल्प और डज दैट मेक सेंस? Is Jenny around? Okay, ठीक, चलिए सत्र का मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि जैसे पांच रहस्य है ना, उसमें एक जन्म रहस्य भी है ना, तो चैतन्य सिर्फ शिफ्ट होता है, आत्मा उसका कुछ उत्पत्ति नहीं है, सिर्फ शिफ्ट होता है ना, वो भी जन्म रहस्य में आएगा ही शायद। हाँ, इसीलिए इसको रहस्य कहा गया कि इसका सॉलिड कॉन्क्रीट आंसर नहीं है किसी के भी पास, तो इसलिए हर कोई अपना अलग अलग ओपिनियन बताता है, लेकिन क्या होता है, अपना इन सारे ओपिनियंस को सुन के अपना अपना क्या है, टेक अवे क्या है, अपना टेक अवे यही है कि देर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ मेनी थिंग्स। क्या अपने आप को अपने दुख से बचाने के लिए, अपने आप को अपनी सफरिंग से बचाने के लिए, अपने आप को हम लोग जिस चीजों में बंधन महसूस करते हैं, उन बंधनों से मुक्ति के लिए, अपने आप को फ्रीडम जो है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो आत्मज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी बाधाएं आती है, उन बाधाओं को ये सारे कॉन्सेप्ट या ज्ञान क्या करता है, धो देता है। माने आप वहां पे मिरर जो है, वो मिरर आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, वो मिरर ऑलरेडी है वहां पे, वो मिरर के ऊपर जो धूल मिट्टी जो बैठी है, आप क्या लेते हो, कपड़ा लेते हो, उसके ऊपर पोछा मारते हो, तो वो धूल मिट्टी खत्म हो जाती है, तो फिर अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ये चैतन्य का भी ऐसे ही कुछ है, वो चैतन्य ऑलरेडी है, वो मिरर के भांति ऑलरेडी है, आप क्या कर रहे हो, जो उसके ऊपर जो धूल मिट्टी बैठ गई है, आप क्या कर रहे हो, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे जो टेक्निक्स है, सारे जो अपने चर्चा करते हैं, इसके क्या कर रहे हो आप, इस कपड़े की बात ही वो क्या कर रहा है, ऐसे पोछा लगा रहे हो, पोछा लगाते हो, वो धूल मिट्टी खत्म हो जाती है, तो अरे दिखता है रिफ्लेक्शन, खुद का ही रिफ्लेक्शन खुद को ही दिखता है, अपना सेल्फ रियलाइजेशन ही खुद को होता है, आत्मज्ञान अपने अंदर ही है जो अपने को प्रतीत होता है, तो बोलते वाव ऐसा है, तो फिर वाव निकलता है। तो वो प्रक्रिया से हम लोग गुजरे, और उस प्रक्रिया में अलग अलग पाथ हो सकते हैं, अलग अलग थियोरीज हो सकती है, अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज कब तक अप्लाई करने हैं, जब तक आप उसके पास ना पहुंचो। एक क्षण आएगा कि आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को, सारी कल्पनाओं को, सारे टेक्निक्स को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ दोगे तब अपने पास, आपके पास आ जाए, लेकिन वो अपने आपके पास पहुंचने के लिए वो बात वही हो जाती है ना, यदि आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो आपको पहले गाड़ी में बैठना पड़ेगा, एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा, वो गाड़ी यहाँ से मुंबई से दिल्ली जाएगी जरूर, लेकिन ऐसा एक मोमेंट आपकी जीवन में आएगा कि जिस चीज ने आपको दिल्ली पहुंचाया उसको भी आपको छोड़ के नीचे उतरना पड़ेगा, तभी तो ना दिल्ली पहुंचेगा, ट्रेन में बैठे रहोगे, एरोप्लेन में बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा। कुछ एक ऐसा क्षण आएगा जब आपको जिसने आपको वहां तक लेके गया, इट वॉज इम्पोर्टेंट, वो ट्रेन वो एरोप्लेन इम्पोर्टेंट था नो डाउट, बट उसको भी एक क्षण में आपको उसको भी छोड़ देना पड़ेगा। मान लीजिए टेक्निक ने आपको वहां पे पहुंचाया, जिस कॉन्सेप्ट ने, जिस आइडिया ने आपके सारे बाकी के बंधन तोड़ के वहां तक पहुंचा, उस कॉन्सेप्ट को भी आपको छोड़ देना पड़ेगा, तब आप अपने पास, तब जाके दिल्ली, तब जा आप उतरोगे और फिर दिल्ली का आस्वाद ले पाओगे। तो अपने सेल्फ के साथ लाने के लिए जो बहिर्मुखता छोड़कर जो अंतर्मुखी आपको होना है, और उस प्रक्रिया में जो जो बाधाएं आती है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए सारी कहानियां, सारे टेक्निक्स जो भी है, हम लोग उसी को कर रहे हैं, अपने स्व प्रयत्न, अपने पुरुषार्थ लगा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा एक वक्त आएगा कि वो पर प्रयत्नों को भी छोड़ देना पड़ेगा, इसलिए गुरुदेव ध्यान लेते हैं तो पहले बोलते हैं हाँ इधर ध्यान दो, उधर ध्यान दो, ये करो वो करो, ऐसा प्रयत्न करो वैसा प्रयत्न करो, लेकिन बाद में कुछ देर के बाद बोलते हैं कि अब प्रयत्न में चले आओ, उन प्रयत्नों को भी छोड़ो। प्रयत्न छोड़ोगे नहीं तो फिर अपने आप को नहीं, अपने आप में स्थित नहीं हो पाएगा।
तो ये सारी चीजें उसी के लिए। तो ये हम लोग क्यों समझ रही है ऐसे प्रश्न और उसके उत्तर और उसको डिटेल में क्यों जान रहे हैं, मतलब वही वो पोछा का काम हो रहा है ना, धूल मिट्टी जो है उसको साफ कर रहे हैं। तो वो अपना अपना काम वही है कि वो धूल मिट्टी को बिल्कुल बिल्कुल सफाई कामगार के भांति है, हम लोग अपने आप के ऊपर वो सफाई का कामगार का काम कर रहे हैं और वो सफाई कामगार के भांति सारी धूल मिट्टी को यहाँ पे साफ कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी आइडिया में पूरी तरह से कभी फंस मत जाना, कभी कोई दूसरे को ओपिनियन को रिजेक्ट मत कर देना कभी भी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। ये एज इज ओपिनियन है, तो किसी और का भी एक ओपिनियन हो सकता है। हैव ऑनर एंड रिस्पेक्ट फॉर दैट, इवन इफ यू डू नॉट एग्री टू इट, इट्स ओके। यदि आप उसके साथ एग्री भी नहीं करते हो तब भी ठीक है, सुन लो। यह चीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत हेल्पफुल होती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब ब्रेनस्टॉर्म होता है, टेबल पेपर पे एक दूसरे की बातें नहीं सुनते, झगड़े करते हैं, फिर ऐसे लोग वहां पे टिकते नहीं है, वो टीम प्लेयर नहीं कहलाते। अच्छे टीम प्लेयर वही होते हैं जो अपना ओपिनियन भी रखे, दूसरों का भी ओपिनियन वहां पे सुन ले। तो इट्स ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटी। तो ये सारी क्वालिटीज भी यहाँ पे डेवलप होते हैं जब हम लोग ऐसे चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं, जब जिसको कुछ किसी को कुछ पता नहीं है उसके बावजूद भी सब कोई उसके ऊपर अपना ओपिनियन रख रहे हैं, तो रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। तो इट्स ओके। एक ओपिनियन साइंस ने रख दिया, एक ओपिनियन योग शिष्ट ने रख दिया, एक ओपिनियन विज्ञान ने रख दिया, भक्ति मार्ग का एक ओपिनियन, बुद्धिज्म ने एक ओपिनियन, यू रिस्पेक्ट ऑल द ओपिनियन, इट्स ओके फाइन। हाँ, एंड देन यू प्रोसीड। अपने आप को स्थिर करना है, उसके लिए फिर कोई भी ओपिनियन आपके लिए काम करे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जय दुर्गे, जय कृष्ण जी, बोलिए। हम अभी पद्मराजा कहानी सुन रहे हैं, लीलावती और सरस्वती की। तो अभी तीनों जन्म हम देख रहे हैं उसके, एक अभी का उनका पद्मराजा और लीलावती का, उसके पहले अरुंधति वशिष्ठ का अभी जन्म देखा, और उसके बाद पद्मराजा के बाद का विदुरथ का जन्म भी देख रहे हैं। हम इसमें टाइम जोन के बारे में बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि अरुंधति वशिष्ठ का जीवन समाप्त होकर 8 दिन हुए हैं। उस 8 दिन में यहाँ पे पद्मराजा का जीवन पूरा बीत गया है, और उसका नया जन्म होकर अभी आगे के कथानक में तो उसका विदुरथ का पूरा जीवन भी खत्म हो गया है 8 दिन के पद्मराजा के जीवन में। तो ये टाइम जोन के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए। जगदेव, बहुत सुंदर प्रश्न संजय जी ने पूछा कि योग शिष्ट का जो नॉलेज जो है वो देखो, आज के सारा विज्ञान जो है, आज की जो देयर इज अ मूवी कॉल्ड इंटरस्टेलर और इंसेप्शन करके भी मूवी है, आप इन मूवी को हम लोग संडे के किसी दिन ना इसके लिए सत्र अरेंज करेंगे, इसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में इसको देखे मूवी को भी देखेंगे करेंगे। लेकिन जो संजय जी ने आज प्रश्न पूछ लिया है तो उसके बारे में लोग थोड़ा सा इसको देख लेते समझ लेते हैं कि काल की जो गणना है वो काल की गणना कैसे होती है। तो बोलते अपने ऋषि मुनि यह सारी चीजों को इतने भले भांति जानते थे, तो बोलते तस रेणु करके होता है, बिल्कुल अपने जो काल की जो गणना है, जो हम लोग जिसको मेजरमेंट के रूप में देखते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के रूप में काल की गणना को देखते हैं, तो बोलते उनको वो ये चीज सिर्फ सारी पता थी। तो 10^-0 जो बोलते हैं इसको लॉगरिथमिक स्केल बोलते हैं, उसके बेसिस पे देखे तो 10^0 और उसके -1, -2, -3, -4, -6 ऐसे यदि देखे तो बोलते वो -6 तक उसको वो लोग दस रेणु करके त्रुटि करके कुछ बोलते थे ना, उससे फिर वो आते सामने जाते, फिर उसको अणु बोलते, फिर उसको रेणु बोलते, अणु रेणु ये सारी संज्ञाएं वहां पे आती है, फिर उसको उसी कालगणना को क्या बोलते थोड़ा आगे बढ़ाते, तो फिर वो जीरो पे आके वो फिर वो जीरो होता है, फिर उसके बाद में सेकंड आता है, उससे पहले वो नैनो सेकंड वगैरह ये सब हम लोग जानते हैं, फिर उसके बाद में वो सेकंड आता है, वो सेकंड को ही मिनट बना देते हैं, उस मिनट को ही फिर वो एक घंटा बनाते हैं, घटिका वगैरह भी जो देखो वो भी बोलते थे ना, इतना घटिका इतना ये, तो उसको उस घटिका में बोलते, फिर उसके बाद में मतलब उसका दिन बना देते। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये सारा चीज इज बेस्ड ऑन द रोटेशन ऑफ योर अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, 24 आवर्स उसमें हो जाते हैं, एंड द रोटेशन ऑफ योर अर्थ अराउंड सन, ये जो अपने 365.25 जो ईयर जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जोडियाक हो जाता है।
तो इसमें भी दो प्रकार की कालगणना बताई गई है। एक कालगणना जो है वो जोडियक है, जो सूरज के प्रति जो पृथ्वी घूमती है उसके बेसिस पे होती है, तो वो एक कैलेंडर हो जाता है। और दूसरा जो कैलेंडर होता है वो लुनार कैलेंडर कहते हैं, जो अपने इंडिया में जो है वो लुनार माने 15-15 दिन का पक्ष होता है, या फिर 29-28-31 ऐसे दिन कभी नहीं होते लुनार में। इट्स ऑलवेज अबाउट 30 डेज, सब हमेशा ही 30 होते हैं, और उसमें दो पक्ष होते हैं 15 और 15। तो बोलते हैं एक तो होता है प्रक्रिया जो अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है, और दूसरा होता है पूर्णिमा को फिर से अमावस्या, ऐसे करके पूरे टोटल 30 दिन होते हैं। और उसके बेसिस पे जो कैलेंडर है उसको हम लोग तिथि के रूप में जानते हैं, है ना। हम लोग पूछते हैं ना लग्न की कौन सी तिथि है, या आपके जन्म हुआ तो उस वक्त कौन सी तिथि थी। तो एक तो होता है डेट और दूसरी होती है तिथि, और तिथि में भी उस तिथि के अनुसार जो कालगणना जो होती है उस कालगणना को हम लोग या फिर लुनार कहते हैं, मून के ऊपर जो आधारित होता है, चंद्रमा की जो अलग अलग कलाएं होती है उनके ऊपर आधारित होता है, और जो दूसरा होता है वो सूर्य के ऊपर आधारित होता है, जोड़िया जिसको कहते हैं। तो इस जोड़िया को ही क्या कह दिया, जो 12 अपना एक वर्ष निकल जाता है तो उसको उसके भी 12 राशियों के अंदर उसको बांट दिए हैं, उसको भी 12 राशियां माने क्या, तो अपना जन्म जब होता है उस वक्त आपका जो होराइजन होता है वो पृथ्वी की जो आकाश होता है उस आकाश को पूरा सर्कल यदि बना दे 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को यदि 12 भागों में आप बांट दे तो उस वक्त का जो 12 भाग का एक भाग जो होता है वो आपके होराइजन पे कौन सा भाग दिख रहा है उसको वहां पे राशि कहा गया है। वो राशि के ऊपर ही क्या होता है उसके अंदर उसके ही 27 नक्षत्र के अंदर उसको डिवाइड कर दिया है, और आपके जन्म के अंदर पूरा जो आकाश होता है उस आकाश का 360 डिग्री व्यू यदि हम लोग देखे तो उस आकाश में ये जो 12 भाग है उसके 12 भागों के अंदर अलग अलग जो अपने 9 ग्रह प्लैनेट्स, अभी तो 9 से ज्यादा भी डिस्कवर हो गए, तो ये सारे प्लैनेटरी पोजिशंस जो है अलग अलग एक जो है उसको घर कहा गया, उस घर में उन प्लैनेटरी पोजिशंस को आप डाल दिया। तो ये सारे प्लैनेटरी पोजिशंस वहां पे डालते हैं तो उस समय की जो बात है उस लैटिट्यूड लैंटिट्यूड उस पृथ्वी की जो जगह होती है वहां से सारा जो आकाश दिखता है उसको यदि हमने प्लॉट कर दिया तो उसको ही आपकी कुंडली कहा जाता है, उसको ही आपका होरोस्कोप कहा जाता है। और ये सारी घटनाओं को जो ट्रैक करता है उसको उस कालगणना के कॉन्सेप्ट में उसको पंचांग भी कहते हैं। तो ये पंचांग के ऊपर आधारित जो ज्योतिष शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र में भी कालगणना का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इज वेरी वेरी साइंटिफिक। कहाँ तक साइंटिफिक है, कहाँ तक मैथमेटिक्स है, अप टू द लेवल ऑफ प्लॉटिंग द होरोस्कोप। जो अपनी कुंडली बनाना जो है वो प्योरी तरह से मैथमेटिक्स है, वो कहीं पे भी चले जाओ जगह में कहीं पे भी चले जाओ, वो कोऑर्डिनेट आप दे दो, वो समय आप बता दो, तो उस वक्त की यूनिवर्स की जो स्थिति थी वो सेम ही रहेगी कहीं से भी आप देखो, इसलिए उसका कंप्यूटर प्रोग्राम बन सकता है। तो होरोस्कोप प्लॉट करना एक कंप्यूटर प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन जब वो होरोस्कोप प्लॉट हो जाता है उसके जो प्रेडिक्शंस जो आते हैं उसके ऊपर जो हम लोग उसका ज्योतिष जो बताते हैं वो फैटलिस्टिक, वो कोई मतलब वैसे फैटलिस्टिक नहीं है वो साइंस, वो स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स माने क्या, ऐसे स्थितियों में जिन्होंने जन्म लिया पहले उनके साथ ऐसा हुआ था तो आपने भी उसी परिस्थिति में ऐसे ही प्लैनेटरी पोजीशन में जन्म लिया, ऐसे ही योग वहां पे उत्पन्न हुआ तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। यह हो गया स्टैटिस्टिक्स, अपना जो मैथमेटिक्स की एक शाखा है स्टैटिस्टिक्स, उसमें प्रोबेबिलिटी आती है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, इतनी प्रोबेबिलिटी है ऐसा होने की। तो यह सारा समय काल गणना के अराउंड ही सारा यह ज्योतिष शास्त्र भी घूमता फिरता रहता है। तो मतलब ऐसे ही काल गणना के लिए ये सारी जो काल गणना यहाँ पे बताई गई है इट इज प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपना जो मानवीय जो जीवन है उसके आधार पर उन्होंने बनाई हुई सूर्य के भांति लुनार के बेसिस के ऊपर जो काल गणना बताई गई है वो काल गणना को हम लोग देख रहे। लेकिन क्या यही काल गणना सभी सारी जगह पे होती है? आज हम लोग पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं, समांतर जगह की बात करते हैं, जो हमने योगशिष्ट में भी बात सुना, इससे पहले भी पुराणों में भी इसके बारे में बात की थी,
जो बोलते हैं पाताल लोक होता है, भूलोक होता है, स्वर्ग लोक होता है, 14 प्रकार के अलग अलग भुवन वहां पे कहा गए ना, अलग 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 प्रकार के लोक कहते हैं यहाँ पे अपना भूलोक, फिर उसके आगे जाके इंद्र लोक, उसके फिर आगे जाके अपना ब्रह्म लोक, उसके आगे जाके विष्णु लोक, उसके आगे जाके शिव लोक। बोलते यह सारे जो अलग अलग प्रकार के लोक बताए गए, जब गुरुदेव कहते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, तो गुरुदेव सिर्फ और सिर्फ लोकों की माने आदमियों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लोका समस्ता सारे लोक के, सारी जो अलग अलग लोक है, अलग अलग जो ब्रह्मांड है, अलग अलग जो स्तर है, उन सारों को आशीर्वाद, उन सारों को सुखी लोग हो, तो उन सबको सुख मिले, ऐसा ब्लेसिंग्स वहां पे हम लोग व्यक्त करते हैं। बिकॉज उतनी पावर आप में होती है, वो मेडिटेशन जब आप करते तो आप वो चैतन्य का स्वरूप बन जाते हैं, और चैतन्य के स्वरूप से निकला हुआ तथास्तु सबको प्राप्त होता है, तो सबको इस तरह से तथास्तु सबको सुख मिले ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसा आशीर्वाद भी देते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, तो ये जो लोक अलग अलग आते हैं, तो ऐसे अलग अलग लोकों में क्या कालगणना कैसी होती है, ये प्रश्न मन में जरूर उठता है। और क्या वह कालगणना जो हमने यहाँ पे देखी, क्या वही कालगणना वहां पे भी होती है, या वहां की कालगणना कुछ और होती है, यह भी प्रश्न मन में जरूर उठता है। तो यही चीज यहाँ पे जो सरस्वती लीलावती जब उसके नेक्स्ट जन्म में जाती है, तो यहाँ पे पद्म राजा के 30 दिन होते हैं, लेकिन वहां पे विदुरथ राजा के पूरे दिन, वो कहानी आगे बढ़ेगी तो आएगा, यहाँ पे उनके 30 दिन होते हैं। ये पद्म राजा का जो चल रहा है पद्म राजा के लिए, जहाँ पे पद्म राजा की मौत हो जाती है और वो मंडपाख्यान में बैठे हुए, वहां पे 30 दिन होते हैं, तो विदुरथ राजा की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है उधर, पूरा आयुष्य। और यहाँ पे इनका पूरा जो आयुष्य जो है जो चल रहा है, पद्म राजा का तो जन्म होके मृत्यु हो गया, वो पूरे आयुष्य में जो उसका पुराना जो जन्म है वहां पे सिर्फ अभी 8 दिन हुए। तो यह जो डिफरेंस है टाइम का, यह कैसे, यह प्रश्न संजय जी का भी था, और यह प्रश्न को देखने के लिए हम लोग यह सब बैकग्राउंड काल की गणना का बैकग्राउंड देख रहे। तो बोलते इस काल की जो ह्यूमन लाइफ जो है इयर्स है, तो बोलते इसको थोड़ा आगे बढ़ाते, फिर जो 10^13 वगैरह तक ये आ जाता है, तो बोलते वहां पे एक मनवंतर कहलाता है। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते है जो अपना जो सेकंड का मिनट बनता है, मिनट का घंटा बनता है, घंटे के एक दिन बनता है, दिन का सप्ताह बनता है, सप्ताह का एक मास बनता है, मास का एक ईयर बनता है, ऐसे कई सारे ईयर जब गुजरने लगते हैं, तो बोलते एक क्या होता है, हम लोग युग का कंसेप्ट भी यहाँ पे आता है। तो बोलते ये एक युग होता है, एक युग के अंदर 14 मनवंतर कहते, तो हमने मनुस्मृति वगैरह पढ़ी होगी, मनुस्मृति के बारे में सुना होगा। तो बोलते एक मनु का जो कालखंड होता है, वो कालखंड होता है, और जो एक उसका जो उसमें अंदर 14 ऐसे मनु होते हैं, 14 बार मनु आते हैं और मनु लेते, तो एक मनु का जो जीवन है उसको मनवंतर कहा गया। जैसे 14 मनवंतर होते, तो 10^13 कुछ तो 13 वगैरह आता है, एग्जैक्टली exactly मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ऐसे ही कुछ है, तो 10^13 वो एक मनवंतर कहलाता है। देन उसके बाद में उसको आगे बढ़ते हैं, तो यह मनवंतर एक 14 मनवंतर हो जाते हैं, तो 14 मनवंतर खत्म हो जाते हैं, तो उसको एक युग कहा गया है। तो ऐसे फिर 4 युग हो जाते हैं, तो उसमें हमने देखा सतयुग है, फिर अपना त्रेता युग है, द्वापर युग है, और अपना कलयुग है। तो इस काल के अंतर में जो अपने पुराना इतिहास जो हम लोग देखते हैं, तो यह कब हुआ, सपोज ये युग वशिष्ठ कब हुआ, रामायण महाभारत कब हुआ, तो बोलते इस काल गणना में जो अपना द्वापर युग था, उस द्वापर युग का जो था वो अंत था, वहां तक कृष्ण वहां पे आए थे, कृष्ण का जन्म जो है वो द्वापर युग में हुआ, और जो त्रेता युग का जो अंत था तो वहां पे प्रभु रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो अराउंड यहाँ से अराउंड 6-7 हजार साल पहले कि यह घटना हुई है, 3-4 हजार साल पहले कृष्ण, और उसके 5-6 हजार साल पहले प्रभु रामचंद्र जी। तो यह काल की गणना में यह दोनों इतिहास है, इस तरह से यहाँ पे ऐसा हुआ है, ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है, ये ऐसा हुआ है।
फिर मन में वो प्रश्न आते हैं कि बड़े बड़े अचंभित करने जैसे मिराकुलस चीजें यहाँ पे उसके अंदर बुक के अंदर लिखी होती है, वो कहाँ से आता है? तो बोलते जो ओरिजिनल जो घटनाएं जैसे हुई थी वो ओरिजिनल घटनाओं को जैसे हम लोग आजकल मूवी देखते हैं बोलते फॉर एंटरटेनमेंट, वो अपनी तरफ से कुछ उसमें लगा देते, बोलते ओरिजिनल जो महाभारत था वो जय नाम से जाना जाता था, उसके अंदर 25,000 श्लोक ही थे। फिर वो बोलते आजकल का महाभारत उसमें 1,25,000 श्लोक आ गए। बोलते जैसे जैसे वो पासान हुआ उसके अंदर लोगों ने उसके अंदर अपने अपने मत अपना अपना उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ तो मसाला डाल दिया, उस मसाले को डालने की वजह से ताकि आप उसको पढ़े इंटरेस्टिंग लगे, इसके लिए सब चीजें उसमें ऐड भी हुई है, जस्ट लाइक अ साइंस फिक्शन। तो इसलिए बोलते कुछ चीजें उसमें सत्य है, कुछ चीजें ऐसे मसाले भेसल करके डाली हुई है। यह बात मनुस्मृति को भी अप्लाई होती है। मनुस्मृति के भी जो काल की जो गणना उसके ऊपर भी जो बात की हुई है, उन्होंने जो ज्ञान लिखा हुआ है उसके अंदर भी कुछ तो 625 श्लोक ही थे, लेकिन आजकल की मनुस्मृति देखते तो उसके अंदर कुछ तो 1200-1300 या 1400 ऐसे 2500 उसमें श्लोक है। तो उसमें से बाकी के 1200-1250 श्लोक ऐसे बाद में लोगों ने डाले हुए, वो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने वैसे उसमें भेसड़ किए। तो ये जो भेसड़ जो होती रहती है ये पासवन होते समय काल की गणना जब होती है या काल जब ऐसे गुजरता है तो ऐसे ऐसे अपने अपने ओपिनियंस उसमें जाते हैं। तो बोलते कभी भी आप ऐसी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओ, किसी भी चीज के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओ तो आप हंस बन जाओ, उसमें से जो दूध आपको चुनना है वो दूध को चुन लो और पानी को उसमें छोड़ दो, क्योंकि ऐसी भेसड़ आपको वहां पे हमेशा मिलती रहेगी। तो यू फोकस ऑन कि उसमें नॉलेज क्या है, उस नॉलेज को ले लो और ज्ञान को वहां पे छोड़ दो। और ऐसी चीजों पढ़ते समय हम ऐसा सब कुछ देखते हैं या काल की गणना के समय ऐसा सब कुछ आता है, इतिहास सुनने मिलता है, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग नजर आता है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो ऐसे वक्त आप गुरु वचनों को सुनो, गुरुदेव खुद कहते हैं और शास्त्र भी यही कहते हैं गुरुदेव कि ऐसे समय पे गुरु के वचनों के ऊपर आप चलो तो आपके सारे कॉन्फ्लिक्ट आपको वहां से दूर हो जाएंगे। इसलिए ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें है, इन सारी चीजों में मनुश्रुति आप करो, उसमें भी करीबन 1200-1250 श्लोक जो है ना दे आर वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग। उसमें फिर वो सारा चीज वर्ण व्यवस्था आ जाता है, उसमें वो स्त्री का भी आ जाता है, कई सारी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें जो आजकल का जो अपना संविधान उसको मानता नहीं है, वो वी डोंट एक्सेप्ट दैट। हम लोग समता में आते हैं, वी इक्वानिमस ये करते हैं और उसको मानते हैं, कई सारी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें उसको छोड़ो, बट ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से नकार दो। हम लोग गलतियां वही करते हैं, ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें दो चार मिलती है हम लोग पूरे ज्ञान को ही नकार देते हैं। नो ऐसा तो फिर योग वशिष्ठ भी पढ़ना आप छोड़ेंगे, उसमें स्त्री की निंदा की है, लक्ष्मी की निंदा, वो निंदा क्यों की है, वो काम वासना की निंदा हुई। तो इसको बना समझो, इसलिए मेंटर की आवश्यकता होती है इन सारी चीजों को समझने के लिए, किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी ताकि उसका विहार्थ समझो, लक्ष्यार्थ समझो। यहाँ पे हम लोग उसको सामने सामने जो लिटरल रूप में लिखा है उसको पढ़ के फिर उस वक्त की स्थिति को भी समझना अत्यावश्यक हो जाता है कि उस वक्त की स्थिति कैसी थी, उसकी काल का जो समय था, उस काल के समय का जो स्थिति था उसको भी समझना हमें अत्यावश्यक हो जाता है। तो बोलते ऐसे जो फिर चार युग पकड़ के उसको क्या कहते हैं, एक कल्प कहते हैं। ऐसे दो कल्प हो जाते हैं, दिन और रात दोनों कल्प मिलकर जो ब्रह्मा जी होते हैं उनका एक दिन हो जाता है। और ऐसे ब्रह्मा जी का जो यदि 100 साल यदि हमने पकड़े, यदि उनकी आयु 100 साल की उनके लोक में, तो बोलते उनकी जो 100 साल की आयु है वह अपने ह्यूमन लाइफ में उसको ट्रांसलेट करें तो बोलते उसको कहते हैं 310 ट्रिलियन ईयर्स यहाँ पे हो जाते हैं, वो होता है ब्रह्मा जी की पूरी आयुष्य। बोलते ब्रह्मा जी का पूरा आयुष्य निकल जाता है तो विष्णु जी का सिर्फ एक दिन होता है, विष्णु जी का पूरा आयुष्य निकल जाता है तो शिव जी का एक दिन होता है। माने काल गणना के लिए जो आजकल का जो विज्ञान है उन्होंने जो काल गणना की थी उसके कई गुना ज्यादा ना 10^17 ही अपना 16 या 17 ही अपने को ब्रह्मा जी की पूरी आयुष्य के काल गणना पे बताता है 310 trillion years इन ह्यूमन लाइफ फॉर्म। ह्यूमन लाइफ फॉर्म में हमने उसको एक्सप्रेस किया है तो यह शास्त्रों में यह अपने ऋषि मुनि थे इनकी जान इनकी जो इनको ज्ञान जो था वो कितना डिटेल में कितना लेवल तक था इसका यहाँ पे हमें सुंदर उदाहरण मिलता है। और इसी से उसके ज्ञान के प्रति अपनी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा भी इसके प्रति बढ़ जाती है कि यार ये लोग क्या जानते थे। अच्छा ये तो एक काल गणना का ह्यूमन लाइफ ईयर्स में हमने देख लिया, तो हमने देखा कि कैसे यहाँ पे पृथ्वी पे 310
टेन या युगई भी दो, चार युग भी जाते तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है सिर्फ। तो यहाँ पे वो डिफरेंस इन लोक जो होता है वो पिक्चर में आता है कि कैसे काल गणना यहाँ पे अलग है और कैसे ही वो सापेक्ष अलग लोक में हम लोग चले जाते तो अलग लोक में उसकी काल की गणना अलग हो सकती है। इसका सुंदर उदाहरण यहाँ पे मिलता है। इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो विज्ञान जो है इंटरस्टेलर मूवी देखते हैं तो वहां पे मूवी में ऐसा होता है कि वहां पे जो पृथ्वी अपनी अर्थ होती है वहां पे जो अन्न होता है वो खराब होने लगता है तो वो बिना उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो वो क्या कहते हैं पृथ्वी के सारे लोग कहीं और प्लैनेट में जाके रहे, ऐसा वो नया प्लैनेट सर्च करते थे और उसके लिए वो मिशन वहां पे भेजते हैं। तो फिर वो मिशन वहां पे जब भेजते हैं तो उनको पता लगता है कि ऐसे तीन प्लैनेट है जो जहाँ पे हो सकता है, जिनको वहां से उनको सिग्नल मिलते रहते कि यहाँ पे सृष्टि ऐसे पृथ्वी जैसा एनवायरमेंट होने की वहां पे पॉसिबिलिटीज है। तो बोलते वहां पे एक ब्लैक होल रहता है। तो इंटरस्टेलर माने क्या, एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा के अंदर जाने के लिए बीच में जो डक्ट रहता है वो डक्ट वहां पे होता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। बोलते इसको ऐसे ब्लैक होल करके उन्होंने वैसे कहा। तो बोलते जो ब्लैक होल जो रहता है वो ब्लैक होल के आसपास कुछ प्लैनेट्स रहते हैं तो उनकी ग्रेविटी अलग अलग होती है। तो जो अपने पृथ्वी पे जो ग्रेविटी रहती है, देखो ना मास का भी एग्जांपल ले लो, आपका जो वजन रहता है वो आप चंद्र के ऊपर चले जाते हो तो वहां की ग्रेविटी अलग रहती है तो वहां पे आपका 1/6 आपका वजन बढ़ता है। वही जो इतना हम लोग जिसको वजन समझते हैं इतना किलो उतना किलो, वही यदि स्पेस में चला जाता है तो बॉडी तरंगती है बॉडी में, है ना, उसका कोई वजन नहीं है, वो तो स्पेस में तरंगती है। और चंद्र के ऊपर चले जाते 1/6 आप तो वजन हो जाता है ना, एक षष्ठांश जो है तो वजन हो जाता है। तो ग्रेविटी का इन सारी चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अपने जो समय की जो काल गणना है वो समय की काल गणना के ऊपर भी वो फर्क पड़ता है। तो मतलब जो वहां पे ऐसे उन्होंने तीन प्लैनेट दिखा है तो उसमें से एक जो प्लैनेट के ऊपर वो लोग जाते हैं तो वहां पे ऐसे दिखा कि वहां पे यदि आप उस प्लैनेट के ऊपर एक घंटा बिताओ तो पृथ्वी के ऊपर 7 साल गुजर जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक घंटा उस प्लैनेट ऊपर बिताओ यहाँ पे 7 साल गुजर जाते। तो यह जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट जो योगशिष्ट का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मलोक अलग है, विष्णु लोक अलग है, शिव लोक अलग है, वहां की काल गणना अपने पृथ्वी लोक के काल गणना में कैसे कैसे है वो सारा चीज हमने देखा। और बोलते यह सब साइंटिफिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से यह सब कुछ ऐसा संभव होता है। तो यह था काल गणना के ऊपर जितना सब कुछ जो थोड़ा बहुत पता था वो सब आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया। इसके ऊपर यदि आपके कुछ प्रश्न है तो उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। और इसके ऊपर कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। तो फिर आज का ये सत्र है, इसको थोड़ा और सुनना है तो और एक बार सुन लेना इसको लगा के, फिर वो वशिष्ठ ब्राह्मण के 8 दिन होते हैं और फिर इस पद्मराजा का पूरा जीवन कैसे बीत जाता है और इस पद्मराजा के जीवन में 30 दिन होके विदुरक जो उसका नेक्स्ट जन्म है उसका नेक्स्ट जन्म पूरा कैसे बीत जाता है वो चीज को समझने में आसानी हो जाएगी कि काल की गणना सापेक्ष है, इट्स रिलेटिव इन नेचर, सापेक्ष होते तो इसलिए यह संभव हो पाता है। जो यहाँ पे बताया है ये ऐसा संभव होता है इसीलिए यह कहानी बताई है। तो कहानी का मतितार्थ यही है कि इस बात को आप समझो कि ऐसा होता है। जो किसी के लिए कुछ क्षण होते हैं किसी के लिए पूरा आयुर्मान निकल जाता है, यह संभव है, ऐसा होता है। इस बात को समझ के मान लो, समझता है तो ठीक, नहीं समझता है तो इसको मान लो। तो गुरुदेव कहते हैं कुछ जान लो कुछ मान लो। तो अध्यात्म का कैसा होता है, साइंस क्या कहता है, सब कुछ जानना चाहता है फिर मानता है, अध्यात्म पहले मान लेता है फिर धीरे धीरे जानता भी, बाद में जान भी जाता है। तो जो भी स्थिति है उसको उस तरह से अप्लाई करो। हाँ, लेकिन मन में कुछ डाउट्स है प्रश्न है तो जरूर उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और एडिशन ऐसे है कि बोलते हैं चित्त के लेवल का प्रवास है, तो चित्त में हम कितना टाइम लॉग जाएगा बीच में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सपना देखते हैं तो सपने में पूरा जीवन
कुछ पल में अनुभव कर लेते हैं। वैसे भी चित्त का प्रवास है लीलावती और पद्मराजा का, वो चित्त के प्रवास में टाइम लॉक कम कम मतलब उसमें फर्क महसूस हो सकता है। हाँ, तो जो अभी संजय जी ने जो पॉइंट बताया है, दिस इज अनदर व्यू पॉइंट फॉर द सेम नॉलेज, है ना। तो यहाँ पे इंसेप्शन नाम की मूवी, आपको अब तक हमने इंटरस्टेलर मूवी के बारे में बात किया है ना, उसमें हमने सापेक्षता के बारे में बात किया, अभी इसको थोड़ा इंसेप्शन मूवी की तरफ लेके जाते हैं। इंसेप्शन मूवी में क्या होता है कि जो अपना वहां पे एक कैरेक्टर दिखाए गए, वो बिजनेसमैन रहते हैं और उनको क्या करना रहता है, अपने जो सामने वाले कॉम्पिटिटर रहते हैं उनके जो पिताजी रहते हैं और उनका जो बेटा रहता है, और पिताजी का भी देहांत तो होने ही वाला होता है या हो चुका होता है, और जो उनके बेटे हैं टेक ओवर करने वाले, तो उनके बेटे को उनके पिताजी जैसा नहीं बनना है, उस एम्पायर को ऐसे ही नहीं आगे बढ़ाना है, कुछ तो और उसको आइडिया सोच के कुछ और बन के उसको बिजनेस का सत्यानाश करना है, ऐसे करके ये कॉम्पिटिटर की इच्छा रहती है। वो ऐसा कुछ करने वाले लोगों को हायर करते हैं, तो वहां पे जो इसके जो एक्सपर्ट रहते हैं, जो दूसरों के मन के अंदर घुस के उनके मन के अंदर कोई नई आइडिया को इम्प्लांट करे, जैसे आजकल हम लोग हृदयारोपण देखते हैं, अलग अलग शरीर के अंगों को हम लोग क्या करते हैं, रोपण कर देते, माने उसको चेंज कर देते, किसी और का डाल देते वहां पे ना। अभी रिसेंटली जो मैंने देखा तो वो एक न्यूज आई थी, तो जो बोलते पिग जो रहता है ना, पिग का जो हृदय था उन्होंने वो आदमी के अंदर फिट कर दिया और वो सक्सेसफुल हो गया ना। तो ऐसी चीजें अभी हो रही है, साइंस करता है, लेकिन यहाँ पे इस मूवी में क्या बात कर रहे हैं, आपके मन के अंदर घुस के, ये तो शारीरिक की बात हो रही है ना, फिजिकल कुछ तो प्रत्यारोपण हो गया, यहाँ पे बोलते हैं मन के अंदर घुस के उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो आइडिया है कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, और वो आइडिया मेरे पापा ने ही मेरे को बताई है, ऐसे उसके मन के अंदर सबकॉन्शियस मन के अंदर घुस के उस आइडिया को वहां पे प्लान कर, देखो क्या सोच रहे हैं, और उसका रूट नॉलेज योग सिस्टम में मिलता है। आपका सर बिल्कुल ऐसे घूम जाएगा कि अरे यार ये लोग योग सिस्टम में बताया क्या गया है, माने ये लोग क्या क्या लेवल तक जानते थे चीजों को। तो जो संजय जी ने बड़ा व्यू पॉइंट बड़ा अच्छा निकाला है कि उसको उस चित्त के लेवल पे भी आप देख लो, ये सब चित्त के अंदर जो चल रहा है उसमें, तो उसमें क्या कहा गया है इंसेप्शन में, वो क्या करते फिर वो उस प्रोजेक्ट को ले लेते, तो उनके ऊपर वो 10 घंटे का एक फ्लाइट होता है और वो यहाँ से निकले हुए हैं और वाशिंगटन डीसी में वहां पे लैंड कर जाएंगे। उसके दौरान उनको 10 घंटे मिलते हैं और वो 10 घंटे में उनके मन के अंदर घुस के उस आइडिया को प्लान करना होता है, लेकिन बोलते हैं वो ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो होता नहीं है। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो उनका जो स्वप्न है, उनके पास एक मशीन होती है, वो मशीन को यदि आप कनेक्ट कर दो ना सबके साथ, तो वो एक ही स्वप्न का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर वो एक लड़की को हायर करते हैं, बोलते वो लड़की को हायर क्यों करते हैं, जो बंदा रहता है उसका भी जो रहता है उसका भी पास्ट रहता है, उसकी जो बीबी रहती है उसकी बीबी ने आत्महत्या कर ली रहती है, और बोलते वो उसके आके उसको तकलीफ देगी, तो उसको वो सारा डिजाइन पता नहीं होना चाहिए, उसके लिए किसी और लड़की को हायर करके बोलते उसको तुम डिजाइन करो, किस चीज को, अपने स्वप्न को, दे कैन डू दैट, उस स्वप्न को डिजाइन करो, उसका पूरा ये करो, लेकिन उस स्वप्न के अंदर क्या होने वाला है दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन स्वप्न के अंदर जो समष्टि जो है, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मांड जैसे बनता है, समष्टि के ऊपर जो है फायर एलिमेंट बना दिया, लेकिन फायर का यूज क्या करना है अपने ऊपर रहेगा, तो लेकिन जो फायर एलिमेंट जो बनता है वैसा उसको बोलते ऐसे स्वप्न को डिजाइन करो। तो फिर वो लड़की उस स्वप्न को डिजाइन करते, तो वहां पे बोलते हैं कि जो रियालिटी रहती है वो एक फ्लाइट में बैठे, फिर वहां पे क्या कहते हैं वो उसको एनेस्थीसिया देके फिर वो मशीन को सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं, लेवल 1 के स्वप्न में चले जाते, फिर वो उसमें स्वप्न में देखते हैं, फिर वहां पे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एंड देन फाइनली लेवल 4 का स्वप्न। तो बोलते हैं यहाँ पे जो समय का कालखंड होता है जो 10 घंटे होते हैं उसका 20 गुना ज्यादा लेवल 1 पे उनको टाइम मिल जाता है, माने कितना ऑलमोस्ट एक सप्ताह का टाइम लेवल 1 पे मिलता है, फिर उस लेवल 1 से वो लेवल 2 में जाते हैं 20 हफ्ते उनको वहां पे मिल जाते हैं, फिर उस लेवल 3 पे जाते हैं तो 20 हफ्ते × 20 माने 400 हफ्ते, 400 हफ्ते का टाइम लेवल 3 पे मिल जाता है, और उसके बाद में चौथे लेवल पे जाते हैं तो 400 हफ्तों मल्टीप्लाइड बाय 20 उतना, तो बोलते एक 20 टाइम का एक फैक्टर होता है, वो एक से बीच के स्वप्न में जाते, तो स्वप्न में गुजरने वाला जो समय का जो कालखंड होता है वो अपनी रियलिटी से इतना आगे तेज भागता है
तो आगे जब चल के चल हम लोग जब लवण राजा की कथा वगैरह सुनेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे उन्होंने कुछ घटिकाओं में ही 60 साल का जीवन वहां पे कैसे बिता लिया स्वप्न के अंदर। तो देख चित्त के अंदर यह सब संभव होता है, इसीलिए जो वशिष्ठ ब्राह्मण का जो 8 दिन गुजरा है वो उन्होंने अपने चित्त के अंदर ही नया जन्म देखा है ना, तो ये नए जन्म में पूरा जन्म गुजर गया वहां पे 8 ही दिन में, यहाँ पे 30 ही दिन गुजर गए और वहां पे उन्होंने पूरा वहां पे अपना नया जन्म वहां पे देख लिया विदुरथ राजा ने। तो बोलते यह चित्त का जो होता है जो एक स्वप्न के अंदर दूसरा स्वप्न देखते हो, दूसरे स्वप्न के अंदर तीसरा स्वप्न देखते हो, तो वहां पे 20 टाइम्स का एक फैक्टर बताया गया वो पिक्चर में आ जाता है, इसीलिए वहां पे वो सापेक्षता नजर आती है, इसलिए वो रिलेटिव होता है। ये भी इसका और एक एस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर ब्रिंगिंग दैट इन, इट वॉज वंडरफुल। तो ये इंसेप्शन मूवी भी योगवशिष्ठ के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस है और उन्होंने वहां पे लिखा भी है, देयर इज अनदर मूवी कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ल्यूसी करके और एक मूवी है, तो ये सारी जो मूवी है उनके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो योग वशिष्ठ से आते हैं। बी प्राउड दैट वी आर कैरिंग दिस हेरिटेज, हम लोग उस हेरिटेज का हिस्सा है, उस हेरिटेज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसको जतन कर रहे हैं, लोगों को पासन कर रहे हैं। थोड़े क्षण के लिए वो बी प्राउड अबाउट बीइंग एन इंडियन, बी प्राउड अबाउट कि आप इन सारी हेरिटेज का ऐसे ऋषि मुनियों के आप संतान हो, इनके ही उपज से आप यहाँ पे आ रहे हो, उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हो, बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो ऐसे अपने अपने अध्यात्म को अपनी स्पिरिचुअलिटी को ऐसा तुच्छ समझ के, जो लोग आजकल बेवकूफिया करते उसको तुच्छ समझ के छोड़ नहीं देना, उनको सब तक लोगों को बताओ इसके बारे में कि आप जानते नहीं हो इसलिए वैल्यू नहीं कर रहे हो, आके जरा आके खोल के देखो तो सही, जरा बात तो करो, अपने 2-4 लोग हैं उनसे बात करो इसके बारे में, आपकी जब आंखें खुल जाएगी कि यह ज्ञान क्या है और यह ज्ञान आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है, तो फिर उस ज्ञान को इम्पोर्टेंस भी आप देने लगो, ये जरूर होता है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सब लोग उसके बारे में बताए लोगों को, इसके बारे में अवगत करें कि देखो आप यदि ये नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, ठीक है आप इंजीनियरिंग डॉक्टरेट कुछ और पढ़ लोगे बट ये नहीं यदि पता चला तो क्या मिस कर रहे हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर नहीं बढ़े, मोक्ष की प्राप्ति की, फिर अपने जीवन को तो ऐसे तो बहुत बार आ चुके हो इससे पहले भी। तो थैंक यू सो मच संजय जी फॉर ब्रिंगिंग इन दैट टॉपिक, चलिए सत्र को और आगे बढ़ाते हैं। Has anybody a question or shall I ask you? भैया एक वो बताते हैं गुरुदेव कि हमारे जैसे 6 और लोग मतलब ऐसे ही मतलब एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो भी इसी योग वशिष्ठ का ही पार्ट है, अलग अलग लोकों में जैसे कहते हैं ना। हाँ बड़ा सुंदर प्रश्न यहाँ पे गीता जी ने पूछा है और यह प्रश्न आता है पैरल यूनिवर्स की, जब समांतर युगज की जो बात आती है उसमें यह आता है। मराठी में अभी यदि आप जाओगे तो समांतर करके एक सीरियल है, यदि आप मराठी समझते हो तो उस समांतर मूवी को देख लेना। तो क्या अपने जैसा ही आयुष्य कोई और किसी का भी होता है, तो वो समांतर मूवी में उस कॉन्सेप्ट को सीरियल है तो सीजन 1 सीजन 2 उसका निकल चुका है, तो आप उसको देख लेना एक बार, तो उसमें ये बात भी और क्लैरिटी से आती है। यदि आप मराठी समझते हो तो देख लेना, नहीं तो फिर उसके टाइटल सब टाइटल्स भी होते हैं इंग्लिश वगैरह में भी, तो उसको भी देख सकते हो। तो बोलते हैं हाँ ऐसा होता है, हो सकता है कि ऐसे बोलते हैं ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड हो सकते हैं, और योग वशिष्ठ में तो ये बात बिल्कुल बताई गई है कि किस तरह से वो अलग अलग, देखो ना एक लोक में वो एक चित्त में वो वही ब्राह्मण है, वो दूसरे इसमें वो पद्म राजा बन जाता है, तीसरे इसमें वो बन जाता है, तो एट ए टाइम वो यहाँ पे उसका शरीर भी है, दूसरी जगह पे वो जाता भी है। बोलते ऐसे आपकी मल्टीपल कॉपीज हो सकती है और ये पैरेलल यूनिवर्स में संभव होता है, अलग अलग ब्रह्मांड में होते हैं ऐसे। यहाँ पे तो इनफैक्ट ऐसा भी बताया गया, आगे चल के पता लगेगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली अपने जैसे ही ब्रह्मांड और भी कई सारे ब्रह्मांड होते हैं, अपने से अलग भी ब्रह्मांड होते हैं, उनके वहां पे फायर एलिमेंट जलता नहीं होगा, फायर एलिमेंट अग्नि की तरह और जल की तरह काम करता होगा, जल जो है वहां पे अग्नि की तरह काम करता, ऐसे सारे उल्टी पुल्टी चीजें भी अलग अलग ब्रह्मांड में हो सकती है
और अपने जैसे ही अलग ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, होते हैं। तो यह पैरेलल यूनिवर्स की बात आती है। तो आप आगे चल के देखोगे जो इंदु पुत्र की कथा आएगी तब, कि कैसे उन्होंने ही अपने ही चित्त के ऊपर अपने ब्रह्मांड बना लिए, 10 और ब्रह्मांड बना के उसके ब्रह्मा उसके रचयिताएं भी खुद ही बन गए। तो ये सब चीजें संभव होती है ऐसे बताते, तो आएगा वो भी आएगा आगे, लेकिन फिलहाल के लिए हाँ ऐसा संभव हो सकता है। ऐसा संभव हो सकता है ऐसा हम लोग क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज हमको पता नहीं है, कॉन्क्रीटली हमको पता नहीं, इसलिए हम लोग उसको नकार नहीं रहे। तो इसलिए बोलते हाँ संभव हो सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और इसको तो पुराणों में ना, हमने पुराणों में तो कई सारे एग्जाम्पल्स को तो कई बार इसको देखा है ना, कि जो विष्णु वहां पे शैया पे लेटे रहते हैं और फिर वो यहाँ पे आके अवतारित हो जाते हैं, राम का अवतार धारण कर लेते हैं, कई एक ही जगह पे दो चार जगह पे चले जाते हैं, होता है कि नहीं? होता है ना अनुभव? होता है। चलो छोड़ो, इतना छोड़ो, अभी की बात करता हूं मैं। गुरुदेव कभी कभी कुछ चीजें सोच लेते हैं, वो एक ही समय में कई सारे डिवोटीज के अंदर वही बात कैसे आ जाती है, वो कैसे कई सारे, अभी अभी दुबई में गुरुदेव थे एंड गुरुदेव का व्हाट्सएप मैसेज था कि आई विल कम, मतलब आप सब लोग मुझे बुलाते रहते हो, आई विल कम टू योर होम। और उस मैसेज को मैंने पढ़ा, दूसरे दिन माय वाइफ मधु वो बोलते हैं अरे आज के यू नो व्हाट, सुबह सुबह क्या हुआ, मतलब गुरुदेव मेरे सपने में आए, गुरुदेव के साथ मैंने ऐसी ऐसी बातें की, मैंने वो मैसेज दिखाया उसको, शी वॉज लाइक वो बिल्कुल ऐसे भावुक हो गई थी, गूज बम्प उसको आ गए थे। तो गुरुदेव जो बोलते हैं ना वो होता है। यह थोड़ा अचंभित लगने लायक होगा, लेकिन जो आर्ट के टीचर्स है, जो कई सारे डिवोटीज है, उनकी कई सारी गुरु स्टोरीज है, आप उनको सुनना जरूर, तो फिर आपको अचंबा या मिराकल्स क्या होते हैं वो उनकी जीवन का हिस्सा है। बोलते हम लोग तो अभी आजकल उसके ऊपर वी आर नॉट इवन डिपेंडेंट ऑन इट, हम लोग तो वी आर यूज टू इट। अचंबा मिराकल जब आप चैतन्य के स्तर पे होते तो होते रहते, होता है। तो बोलते यह सारे जो चीज है उसको आप ऐसे फिजिकल रूप में नहीं देखो, ये सटल लेवल पे सब कुछ चीजें होती है। तो एक ही जगह पे वो एक ही विष्णु है, एक ही चैतन्य है, वो वहां पे लेटे हुए भी, इधर उनका इनकार्नेशन भी हो चुका है, एक ही गुरु है, वो हर जगह पे अलग अलग जगह पे होती है। ऐसा तो हमने कई बार देखा है ना, वो समझ में नहीं आती थी बात, वो साहेब बाबा एक ही जगह पे और उधर जाके उससे मिल भी रहे, एक ही जगह पे और दूसरी जगह पे भी उसको हो रहे मिल, ये सारे चमत्कार होते हैं, सबने कभी सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन वो कभी पता नहीं लगा कि अरे संभव कैसे होता है। लेकिन जब योग वशिष्ठ पढ़ते हो तो उसकी पॉसिबिलिटीज संभव है, यह ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले हम लोग आज अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली ऐसे प्रूव नहीं कर पाते, लेकिन जो चीजें जिनको अनुभव है वो जानते हैं। अभी सारी चीजें अनुभव लोग हैं, उनके अनुभव आप सुनो, कई सारे लोग गुरु स्टोरीज में मिल जाते हैं, आप उनके अनुभव सुनो, बताएंगे ऐसे कई सारे अनुभव। अभी इस कालखंड के समय की बात मैं कर रहा हूँ, और कई लोगों के ऐसे है अनुभव है, जो मैंने अभी दो तीन दिन पहले ही उसको मेंशन किया था, वहां पे अपने आश्रम में ही एक लड़की है, वो आंखें बंद कर लेती है और वो चीजों को इधर उधर की चीजों को हिलाती है। तो ये तो हो रहा है अभी, ये तो कोई हम लोग कोई साइंस फिक्शन नहीं बता रहे आपको, ये हो रहा है। इंट्यूशन प्रोसेस जिस करते हैं वो बच्चा जग को अचंभित करने लायक चीजें कर रहे हैं, दे आर हाइट्स हैपनिंग राइट नाउ। कुछ देर पहले किसी को बोलेंगे तो क्या फेंकता है, अंधश्रद्धा बोलेंगे, अंधश्रद्धा नहीं है, हो रहा है, अभी चल रहा है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ गेटिंग एक्सेस टू दैट सटल एनर्जी, उस एनर्जी का एक्सेस ले लो, ये सारी चीजें संभव होती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए साधना सेवा सत्संग ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे सब चीजों का एक्सेस मिलने का प्रयत्न, सिद्धियां प्राप्त कर लो, मैं ऐसे चीजों को हिला दूंगा, मैं ऐसे हवा में उड़ने लगा, ये सब कुछ इंटेंशन रख के मत करना, देन आप बाधा में फंस जाओगे, देन जो आत्मज्ञान, जो आत्मज्ञान से थोड़ा दूर रह जाओगे आप, वहां तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि वहां तक अष्ट नहीं 800 लाख सिद्धियां वहां पे है, तुम वो अष्ट सिद्धियों के पीछे पढ़ के
कुछ सिद्धियों के पीछे पढ़ के, मिराकल के पीछे, चमत्कार को नमन करके उसके पीछे मत फंस जाना। अक्सर जो लोग होते हैं ना, जो तांत्रिक वगैरह जो होते हैं, वो ऐसे सिद्धियों के पीछे पड़े रहते हैं, मतलब उनको वो गंतव्य तक पहुंचते नहीं, वो अटक जाते हैं उसमें। तो गुरुदेव बोलते हैं इसके पीछे नहीं फंसो, आपको अपने आप में आना है तो इन सारी सिद्धियों को भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो आपके पास आ जाएगी अपने आप। कई सारे लोगों ने वाक शुद्धि वगैरह होती है, आप जैसा बोलते वैसा होने लगता है, अनुभव किया है ना, कई सारे लोग का अनुभव है, होती है। बट डोंट गेट स्टक इन, डोंट हैव योर इंटेंशन टू मेरे को सिद्धियां प्राप्त करनी है, ऐसे इंटेंशन से मत करना कुछ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। आती है तो आती है, तो ठीक है, सो व्हाट। गुरुदेव सिद्धियों के बारे में वो भी बोलते हैं, कोई कुछ बालों से ट्रेन खींचता है, ये फिजूल की बातों में मत उलझो, जो लोकोपयोगी काम हो सके वो सिद्धियों की अपेक्षा करो। कुछ भी फिजूल की, जो आसानी से काम बनते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो संसार में कुछ उसका फायदा हो जाए ऐसी सिद्धियों की अपेक्षा करो, तो फिर उस सबके लिए काम में आ जाएगी। और ऐसी सिद्धियां जब आप आत्मज्ञान में आते हो अपने आप ही मिल जाती, तो आप अपने आप ही बड़े बड़े आपके कार्य भी आपके हाथ से होते हैं, ये तो अनुभव है। कई सारे लोगों का आर्ट ऑफ एड में आप जाके देख लो, कई सारे लोगों का अनुभव आपको मिल जाएगा कि ऐसे बड़े बड़े काम हो जाते हैं, वो पीछे मुड़ के देखते तो उनको ऐसा बिलीफ ही नहीं होता है कि ये काम मेरे हाथों से भी हुआ है, ऐसा बिलीफ नहीं होता, बिकॉज वो बहुत विराट स्वरूप उसका होता है, और वो इतना शक्ति कहाँ से आती है फिर, तो वही होता है वो सोर्स। और एक बात होती है, सिद्धियां तो कभी भी मिल सकती है, लेकिन वो सर्टिफिकेशन के जैसा नहीं है। आप यम नियम का पालन करोगे, साधना में सातत्य रहोगे, तो वो सिद्धियां आपके पास आ भी जाएगी, लेकिन उससे आप बाहर निकल जाओगे तो सिद्धियां फिर से छूट भी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपके लिए परमानेंट हो, कोई नहीं है। हाँ, जब आप मुक्त हो जाओगे, उस प्रवास के अंतिम छोर तक जाओगे, तो सिद्धियां भी आपके साथ हो जाएगी, और आपका स्वभाव, आपका चित्त, ये सभी बातें आपका जीवन का स्थायी भाव बन जाएगी। बिल्कुल, I perfectly agree, बिल्कुल संजय, बिल्कुल सही कहा। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते, इससे रिलेटेड और कुछ है प्रश्न है तो हम लोग पूछ सकते हैं। मंडपाख्यान सबने पढ़ना शुरू कर दिया है, सब लोग के पास किताब है, everybody has book with them, are you all reading? कैसा अनुभव है बुक पढ़ने का, क्या हो रहा है, can share that also। भैया कौन सी बुक? हाँ गीता जी, देखो अपना जो एक लिंक है उस लिंक को हम लोग आपको दे देंगे, उसमें ना हमने PDFs भी अपलोड की है, और जो हम लोग रेफर करें तो हम लोग जो अपना जो देखते हो आप सत्र देखते हो उसमें पेज नंबर वगैरह बता देते हैं, वी आर रेफरिंग दिस बुक, योग वाशिष्ठ, सुबोध योग वाशिष्ठ, मराठी वर्जन है, 800 पेजेस की ये किताब है, 782 टू बी प्रिसाइज, तो ये 800 पेज की किताब हम लोग रेफर करें तो इसके हिंदी में भी वर्जन अवेलेबल है, इसके इंग्लिश में भी वर्जन अवेलेबल, इसी के नहीं किसी और ऑथर के, और उसके PDF भी हमने यहाँ पे है, तो आप एक लिंक ट्री करके है, उस लिंक ट्री को मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, या अपने जो मैसेजेस हम लोग डालते हैं ना उसके अंदर भी उसकी लिंक ट्री की एक मैसेज है, तो फिर भी मैं यहाँ पे ही डाल देता हूँ, ये आप इसके ऊपर चले जाइए, इसके ऊपर आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, इट्स अ वन स्टॉप लिंक, यू कैन डाउनलोड दिस एंड देन इफ यू वॉन्ट आप फिर अमेजोन के ऊपर जाके इन चीजों को खरीद भी सकते हो, यहाँ पे सब कुछ है इस एक ही लिंक के ऊपर, तो आप जरूर उस किताब को खरीदे, उस किताब को पढ़े, आपने जो कुछ भी पढ़ाई की होगी आज तक उससे कई गुना ज्यादा मल्टीपल यन नंबर ऑफ टाइम्स यह किताब पढ़ना, इसको समझना अपने जीवन में वर्थ है। तो ये हिंदी के ऑथर कौन है? हिंदी के ऑथर वहां पे इसमें ऊपर PDF है, आप उसको डाउनलोड करके देख लीजिए, और अभी अभी रमा जी ने इस बुक को ऑर्डर किया था, मैं उसकी भी लिंक दे देता हूँ, वैसे ये सारी इंफॉर्मेशन इस लिंक के ऊपर जो मैंने दिया ना उसके पर है अवेलेबल, फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो मैं दे देता हूँ।
ऐसे और कोई जेनेरिक प्रश्न है आपके इससे रिलेटेड तो पूछ सकते। हिंदी के लिए योगवशिष्ठ महारामायण करके है, जय गुरुदेव भैया। हाँ बोलिए। सपनों के बारे में तो एक बात पूछना है, जो अब हम समझते हैं गुस्सा करना ये सब गलत बात है, तो हम यहाँ पे छोड़ देते थोड़ा समय के लिए, सही कुछ हो हुआ तो भी हम back, you can come back, but in the case of dream, if the dream, in the dream we are shouting at someone, how, what is the relation in this? Gussa karte dikhai deta hai, hum yahan to nahi karte, wo sapne mein karte rehte, kyon aisa aate, is it any subconscious mind, any thoughts are there in there? हाँ, बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लिंक डाल दिया, वो अमेज़न की लिंक है, जहाँ पे ऊपर इसके 3 वॉल्यूम में किताब आती है हिंदी में, उसको आप जरूर परचेस कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी हमने शेयर कर दिया है, वो भी आप डाउनलोड करके उसको भी यूज कर सकते हैं। जब तक आप खरीद लो इस किताब को तब तक यू कैन यूज इट। तो प्रश्न के ऊपर आते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आप कोई स्वप्न देख रहे हो और वो स्वप्न के अंदर आप क्या देख रहे हो, क्या उस स्वप्न के ऊपर अलग अलग चीजों का प्रभाव पड़ता है क्या, यह प्रश्न है। तो हाँ भी है आंसर और ना भी है। तो कुछ चीजें जो आप स्वप्न में देखते हो वो रैंडम होती है, उसका किसी भी से भी प्रभावित नहीं होती है, अपने मन का खेल होता है और मन के खेल के लिए कोई लिमिटेशन नहीं। तो बहुत रैंडम चीजें आप स्वप्न के अंदर देख सकते हो, ये एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ भी देख सकते हो उसके अंदर। दूसरी चीज जो होती है, जो अपना जो मन होता है, वो मन के अंदर जो होता है, वो मन के अंदर प्रभाव जो चीजें रहती है, वो आजू बाजू के लोग उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, आप किस प्रकार का अन्न खाते वो प्रभाव डालते हैं, आजू बाजू की परिस्थितियां उसके ऊपर प्रभाव डालती है, आजू बाजू की जो वस्तु है वो भी उसके ऊपर प्रभाव डाल सकती है, प्लैनेटरी पोजिशन, आप किस कालखंड में जी रहे हो वो भी उसके ऊपर आपके ऊपर प्रभाव डालती है, और बोलते जो आप स्वयं हो, जो सेल्फ है, जो चैतन्य है, वो भी उसके ऊपर अपने मन के ऊपर प्रभाव डालता है। बोलते यस, सारी चीजें प्रभाव डालती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो कुछ भी आप जीते होते बोलते हैं जो मनी दिख, उसको कहते हैं ना, जो मराठी में बोलते हैं जो मनी दिसे वो स्वप्न बसे, तो बोलते जो मन में जो बसता है वही स्वप्न में भी आपको दिखता है। बोलते ये मन को ही प्रभावित ये सारी चीजें करती है, उसीलिए वो स्वप्न में भी दिखती है। तो यह दोनों भी पॉसिबिलिटीज है कि एक तो रैंडमली कुछ आ जाए जिसका अभी के लिए कुछ लेना देना ही नहीं, कुछ बहुत रैंडम कुछ तो कुछ लेना नहीं, वो भी आ सकता है, या इससे रिलेटेड जो रोजमर्रा की जिंदगी जो चल रहा है उससे रिलेटेड स्वप्न आए, ये भी हो सकता है, दोनों भी पॉसिबिलिटी है। और जो चैतन्य है उसका भी प्रभाव, तो जो चैतन्य जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है इसमें, वो सबके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, वो अपने स्वभाव में जब आप लौट के आ जाओ तो ये सारे प्रभाव से आप हट जाते हैं, उनके प्रभाव से आपका चित्त फ्री हो जाता है, उस अपने चैतन्य में लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो उस हमको प्रयत्न वही करना है कि ये सारे प्रभाव से हटके अपने स्वभाव में, अपने चैतन्य में जो मन है वो लीन हो जाए, अमन हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये प्रक्रिया है। तो आएगा भी वो पुष्प प्रकरण में आएगा, आगे चल के हम लोग अभी तो उत्पत्ति में है, स्थिति आएगा, फिर उस उपशम आएगा, फिर निर्वाण प्रकरण, तो धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं, वो आएगा बट इट विल कम। लेकिन जो स्वप्न से रिलेटेड है उसका उत्तर मैंने अभी ऑलरेडी दे दिया कि कुछ भी दोनों चीजें पॉसिबल है। तो जरूर आप इसको डाउनलोड कीजिए, बुक्स को, इन बुक्स को पढ़िए, नेक्स्ट 3 महीने 6 महीने जो भी हम लोग समय यहाँ पे इसके लिए बिताएंगे तो वो अपने जीवन का सबसे बढ़िया समय होगा, काल करना होगा, इस बात की गारंटी है।
You learn something very precious during those time frame. ठीक है, और कुछ प्रश्न है तो ठीक है लेते हैं, नहीं तो फिर आज के इसको हम लोग रोक लेंगे. कल हम लोग काशी भैया योग शिष्ट के बारे में क्या कहते हैं उसको सुनेंगे. सो टुमारो सेशन विल बी अलोंग विद काशी भैया. वी हैव इनवाइटेड हिम वंस अपॉन अ टाइम. ही जॉइंड अस, ब्लेस्ड अस विद हिज प्रेजेंस. एंड व्हाट डज ही स्पीक अबाउट योग वशिष्ठ. तो टुमारो सेशन विल लिसन टू हिम एंड देन फिर उसके ऊपर कुछ प्रश्न है तो उसको लेंगे. और आप मंडपाख्यान को पढ़ना जारी रखें. मंडपाख्यान की जो स्टोरीज है आप काफी सारे 10-11 स्टोरीज है उसकी. तो बीच बीच में योग वशिष्ठ में वो वशिष्ठ मुनि भी उसके बारे में बात करते हैं. जो अपने सारे जो टीचर्स है दे ऑल कैन गो थ्रू इट एंड जॉट डाउन द प्रश्न जो रामचंद्र जी पूछते हैं. तो इसमें रामचंद्र जी भी पूछते हुए दिखाई देंगे प्रश्न. लीलावती भी प्रश्न पूछती है और जो विदुर राजा वो भी प्रश्न पूछता है. तो कई सारे प्रश्न है इसके बुक के अंदर ही. तो उन सारे प्रश्नों को भी अपने को कवर करना है प्लस जो अपने ऑडियंस है जो पढ़ रहे हैं उनके प्रश्न भी हमको कवर करने. तो दोनों प्रश्नों को तो ताकि ये एक्सरसाइज जो चल रहा है यहाँ पे कोई प्रश्न छूट ना जाए. तो लेट अस कवर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक आल्सो एंड फ्रॉम द ऑडियंस आल्सो. एक अपना एक अच्छा खासा रिपोजिटरी यहाँ पे बन जाएगा जहाँ पे करीब करीब ऑलमोस्ट सारे प्रश्न कवर कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं. जय गुरुदेव.